50 साल हो गए हमारा सेट है, इनकी तस्वीर लगी है। अच्छा, ये सखावत साहब ने शुरू करा था, तो ये अभी हयात है। ये इनका इंतकाल हो गया, अभी बच्चे इनके आते हैं, बच्चों ने संभाला हुआ। जबरदस्त पीतल का चम्मच है। हाँ, पीतल का चम्मच है, बर्तन भी पीतल का है। अच्छा, जबरदस्त। और चटनी, चटनी का ये जो पतीला है वो भी पीतल का है। ये आपके लिए बनाए प्लेट। हाँ, सिंस 1970 सखावत कबाब हाउस के नाम से। सलीम साहब, कब से खा रहे हैं यहाँ पे आप? 40 साल हो गए। अच्छा, माशाल्लाह। बंद की जियो, खाओ पियो मजे करो। चेक द माइक एंड मेक श्योर इट साउंड राइट बॉयज। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, और आप लोग सब कैसे हैं? खैरियत से हैं? मैं हूँ ज़ीशान, और आपको मेरे इस चैनल पे एक बार फिर खुश आमदीद। तो भाई, मंड के जियो, खाओ पियो मज़े करो। आज मैं आपके लिए एक कबाब पराठा वाली जगह ढूंढ के निकाली है, जहाँ पे कीमे का कबाब रोल, कीमा कबाब रोल और कबाब रोल जो है मिल रहा है। और यहाँ पे कोई आम सीन नहीं है भाई, बड़ा ही ख़ास सीन है। सिंस 1970 सखावत कबाब हाउस के नाम से यहाँ पे एक जगह है, सोल्जर बाज़ार एक नंबर पे। तो यहाँ पे हमने एक्सप्लोर किया, देखते हैं अब टेस्ट कैसा है और इनका रेट क्या है। प्यारे मेरे, वालेकुम सलाम, शुक्र अल्लाह का। क्या चल रहा है यहाँ पे? कीमा बेच रहे, बीफ का कीमा है, शामी कबाब है बीफ का। अच्छा, और किसके साथ होता है ये? ये पराठे के साथ होता है, रोल भी बनता है इसका। सही है, ये अलग से प्लेट में भी देते हैं, ये बीफ कीमा है। अच्छा, ये पिछले, ये 50 साल पुरानी दुकान है। अच्छा, और कबाब भी बीफ का? कबाब भी बीफ का होता है जी। सही है, सही है। 50 साल हो गए ये? 50 साल हो गए, हमारा सेट है, इनकी तस्वीर लगी है। इन्होंने, सखावत साहब ने शुरू करा था, ये अभी हयात है। ये इनका इंतकाल हो गया, अभी बच्चे इनके आते हैं, बच्चों ने संभाला हुआ। जबरदस्त। टाइमिंग क्या है? टाइमिंग ये 4 बजे से रात को 1 बजे तक है। अच्छा, और रमजान की क्या टाइमिंग? रमजान में 5 से 2 बजे तक। अच्छा, माशाल्लाह, 5 से 2 बजे। प्राइस क्या है? प्राइस ये कीमा बीफ जो है ना, सिंगल प्लेट, ये सिंगल प्लेट है, ये 160 रुपए की प्लेट है। सही है, ये आप हाफ प्लेट है। ये पराठे के साथ ही? पराठे, पराठा 40 रुपए का एक पीस। 40 रुपए का पराठा है इसके साथ। आपका नाम क्या है सर? मेरा लियाकत नाम है। लियाकत भाई, एक प्लेट कीमा का और कबाब के साथ दो चीज़ें हम ट्राई करते हैं, अपनी ऑडियंस को बताते हैं। हाँ बिल्कुल, ज़रा बनाइए आप, खाओ बैठ के। बिल्कुल बिल्कुल, आप बनाए प्लेट। ये आप बना देता हूँ, ये आपके लिए बनाए प्लेट। हाँ, ये आ गई प्लेट, ये आपके लिए आ गई। अच्छा, ये कबाब लगा रहा हूँ। ये कबाब, दो कबाब आ गए। कितने के हो गए? ये 80 रुपए की प्लेट है। 80 रुपए की प्लेट हो गई। ये आ गई। सही है। ये कुछ खास रेसिपी है मुझे लग रहा है। ये चटनी है, ये चटनी मीठी है, होती है ये इमली की होती है, खटाई की चटनी होती है। सही है, सही। ये आ गई सलाद, आ गई सलाद, ये धनिया पुदीने के साथ, जबरदस्त। 400। और अब पराठे के साथ जो है इसको खाते हैं। हाँ, पराठे लगा दो, प्लेट खाएंगे। दो पराठे जरा दें, ये टेस्ट करते हैं। बहुत शुक्रिया, ये आ गए भाई पराठे। ये आ गए भाई कबाब, सलाद, चटनी, कीमा और पराठे। हाँ, सर कैसे हैं? ठीक हैं? हाँ, अल्लाह का शुक्र है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम। सलीम साहब, सलीम साहब कब से खा रहे हैं यहाँ पे आप? 40 साल हो गए। अच्छा, माशाल्लाह, कैसा लगता है, जायका कैसा है? माशाल्लाह, बहुत अच्छा है, ऑथेंटिक है। बीफ वगैरह सही होता है? सही होता है, माशाल्लाह। बीफ वही, बीफ तो नहीं, 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 नहीं। और टेस्ट लाजवाब है, लाजवाब।
अभी कीमा खा रहे हैं हम। जी जी सही सही। इनकी चटनी में भी कोई खास बात है मुझे लगता है। हाँ चटनी में भी कोई खास बात है, जब लोग आते हैं इनके पास भाई दूर दूर से आते हैं। आप मुझे लगता है अपने बचपन से जवानी से तो खा रहे हैं। मैं तो 40 साल हो गया। थैंक यू सर। तो भाई ये आ गया है कीमा कबाब पराठा चटनी सलाद। ये जो है भाई 40 रुपीज़, ये 120 और ये है जो है 80 रुपये के दो कबाब। अच्छा बीफ है यहाँ पे फुल जो है भाई, हॉट सीन है माशाल्लाह। पराठा तोड़ते हैं और एक निवाला लेते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं और आपको टेस्ट बताते हैं। अच्छा फुल तरी भरी जो है ये देखें कीमा, माशाल्लाह ज़बरदस्त भाई, ऑथेंटिक टाइप जो है कीमा लग रहा है। अब एक बनाते हैं निवाला कीमे के साथ, फिर आपको टेस्ट करके बताते हैं। ये दिखाइएगा ये बन गया भाई निवाला कीमे वाला। और ये करते हैं बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम लेते हैं और टेस्ट करके सखावत कबाब हाउस का कीमा पराठा कैसा है। जायका है और थोड़ा सा ऑयली है, जो उसमें रोगन टाइप वो थोड़ा ज़्यादा है और ओवरऑल जो बीफ का फ्लेवर है वो अच्छा है और गार्लिक और सारी चीज़ें जो इसमें मिली हैं मिक्स मसाला वगैरह तो काफ़ी एवरेज, ना ज़्यादा स्पाइसी है ना फीका है और अच्छा जाएगा। और कबाब के साथ लेते हैं, और कबाब के साथ तो भाई चटनी मस्ट है मुझे लगता है। कबाब तोड़ते हैं, इसमें भी इन्होंने कहा है कि ये बीफ और दाल का कबाब बनता है, ये लेते हैं चटनी के साथ और थोड़ा सा डालते हैं इसमें प्याज और ये बनाते हैं एक बाइट ज़बरदस्त सी। क्या बात, इनकी चटनी जो है वो खट्टी है, स्पाइसी नहीं है लेकिन अच्छी चटनी है। तो ये वाला सीन यहाँ पे सोल्जर बाज़ार में चल रहा है। अगर आपने टेस्ट किया है तो ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको यहाँ का टेस्ट कैसा लगता है। मुझे ओवरऑल अच्छा लगा, 50 साल से माशाल्लाह यहाँ बैठे हैं, 50 से मेरे ख्याल में ज़्यादा ही हो गए, 1970 से हैं। तो सखावत साहब का तो इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला उनको गरीके रहमत करें, और उनके जो है साहबजादे चला रहे हैं, तो ओवरऑल अच्छा है। अच्छा होम डिलीवरी का बड़ा सीन है यहाँ पे, ऑन है, आप घर बैठे यहाँ पे मंगवा सकते हैं। नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में भी है, शायद स्क्रीन पे भी आ रहा हूँ, तो कॉल करें घर मंगवाएँ या यहाँ बैठ के खाएँ। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफ़िज़।